हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार टेस्टी कटहल की, वो भी एकदम जल्दी से बनने वाली सब्जी। कटहल की सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहला चीज़ वो ध्यान रखना है, वो कि आपको एकदम फ्रेश वाला कटहल लेना है। अगर आप ज़्यादा दिन का पेड़ से टूटा हुआ कटहल लेंगे तो उसका स्वाद अच्छा नहीं आएगा। जैसे कि मेरा ये कटहल है, इसको काटते ही देखिए बीच में जो ये इसका एकदम वाइटिश पार्ट और इससे जो दूध निकल रहा है, इससे पता चल रहा है ये एकदम फ्रेश है। और कटहल को काटने के बाद कुकर में मैंने इसे बॉईल कर लिया है। और इसे चलते हैं जल्दी से इसका तड़का लगा के सब्जी बनाने के लिए, क्योंकि मैं फटाफट से बनाने वाली सब्ज़ी बना रही हूँ तो मैं पूरा लंबा प्रोसेस नहीं बता रही हूँ। कटहल कैसे काटना है ये आप लोग को पता ही है, बस चलिए बनाते हैं सब्जी। मैंने ये एक पैन लिया, उसमें डाला एकदम सरसों का तेल, फिर पंचफोरन, ये गया बेली और ढेर सारा प्याज। और इसको अच्छे से प्याज को एकदम गोल्डन होने तक उसमें फ्राई कर लें। फिर एक ब्लेंडर मिक्सी जार में थोड़े से प्याज, अदरक, लहसुन और मिर्ची, ये सबका मैंने पेस्ट बना लिया। इस पेस्ट को भी डाल करके अच्छी तरह से भून लेना है, इसका कच्चापन चला जाए। और सबसे अच्छी बात है कि अभी कटहल का सीज़न आ चुका है, मार्केट में बहुत सारे एकदम फ्रेश फ्रेश वाले कटहल मिलेंगे। तो जिनको भी ये सब्ज़ी बहुत पसंद है तो ज़रूर बना के खाइए। और उसमें मैंने डाले सारे बेसिक से मसाले, आप अपने हिसाब से मसाले कम ज़्यादा कर सकते हैं। और मैं इसमें टमाटर भी डाल रही हूँ, बहुत लोग इसमें टमाटर नहीं डालते हैं, तो आपको अगर ऐसा पसंद है तो नहीं डालें। और ये गया मेरा कटा हुआ और जिसे मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया था वो कटहल, और साथ में गए थोड़े से आलू, ये भी बॉईल किए थे मैंने कटहल के साथ में ही। और सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और थोड़ी देर इसे ढक के पकाना है। और फटाफट से बन गया आपका बिना तामझाम और झंझट के कटहल का सब्जी। और इस तरह से आप कटहल का कोफ्ता भी बना सकते हैं, आपने जस्ट कटहल बॉईल किया उसे मैश करके कोफ्ते की तरह शेप में छान के मसाला का ग्रेवी बना के उसमें डाल के कोफ्ता बना सकते हैं। और आपको इसमें ग्रेवी डालनी है तो थोड़े से पानी डाल दीजिए, और नहीं सूखा खाना है तो आप वैसे ही भी खा सकते हैं बिना पानी डाले भी। और मस्त धनिया पत्ता है, ढेर सारा धनिया पत्ता डालिए और इसे चावल रोटी जिसके भी साथ आपको पसंद है एकदम इंजॉय करके खाइए। कहते हैं ना इसे कटहल को ये क्या है, भेज लोगों का चिकन है, यानी जो लोग चिकन नहीं खाते हैं वैसे लोग इसे चिकन की तरह बना करके खाते हैं। उन्हीं लोगों से मैं भी एक ही हूँ। और सब्जी बन के तैयार है और ये बहुत बहुत चटपटी और अच्छी बनी है, तो आप लोग भी बनाइए और खाइए। वैसे तो कटहल का सीज़न आ ही गया है, आप लोग बना ही खा रहे होंगे, तो एक बार इस तरीके से बना करके खाइए। और मैं जा रही हूँ इसे चावल के साथ खाने के लिए, गरम गरम चावल और गरम गरम कटहल की सब्जी। वाह, मुझे तो मज़ा ही आ गया खा करके। अब बाय बाय, थैंक यू। और आपको मेरी वीडियोज पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करना भूलिएगा नहीं। बाय बाय, टेक केयर।